नैनीताल के ओखलकाड़ा ब्लॉक के छिड़ा खान रीठा साहिब मोटर मार्ग में बड़ा हादसा हुआ। हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 घायलों को पास के ही सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने रेस्क्यू अभियान को पूरा कर लिया है। एसएसपी नैनीताल प्रहलाद मीणा ने बताया कि कैंटर में बैठे हुए लोग पास के ही गांव में पीपल पानी में शामिल होने जा रहे थे, तभी अचानक कैंटर अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गया, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों को उचित मुआवजा प्रशासन के मानकों के अनुरूप दिया जाएगा। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। पहले मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर प्रशासन बहुत ढीला है, फिर उसके बाद जनप्रतिनिधि हमारे यहाँ जो जीत के जाता है वो यहाँ पीछे की इधर की ओर देखता नहीं है। जनता को बेवकूफ बना करके यहाँ से लोग जो भी जनप्रतिनिधि होता है यहाँ से पहले वोट मांग लेता है, उसके बाद अपनी सत्ता में आने के बाद यहाँ की आम पब्लिक को कोई नहीं पूछता है कि कहाँ पर क्या हो रहा है, कहाँ पर क्या हो रहा है, कहाँ कैसे हो रही है, कहाँ दुर्घटनाएं हो रही हैं, कहाँ क्या हो रही है। अब भले ही अभी इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, हम नीचे स्पॉट पर थे, यहाँ पर कोई पुलिस प्रशासन नहीं, कोई लोकल प्रशासन नहीं, पटवारी नहीं। देखिए, जो ये घटना घटी है बहुत दुखद घटना है। जो छिड़ाखान हमारा छिड़ाखान वाला ये मोटर मार्ग है, बहुत पहले से हमारी जो मांग रही है कि इस मोटर मार्ग में डामरीकरण हो, और लगातार हमने कई आंदोलन भी किए सड़कों में, कई सोशल मीडिया से लेकर और हमने सड़कों पे आंदोलन भी किए, लेकिन यहाँ पे जो इस प्रकार घटनाएं हो रही हैं, सबसे पहले वहाँ पे लगर पे एक कोरा पे एक घटना हुई, वहाँ पे हमारे 5 कैजुअल्टी वहाँ पे भी हुई। जो अब तक की सूचना मिली है उसके आधार पर थाना खंशु क्षेत्र में एक दुर्घटना हुई आज सुबह, जिसमें एक कार सवार जो कुछ सवारियाँ थी उनकी दुर्घटना हुई है। इसमें 11 लोग थे, 11 में से अब तक जो सूचना मिली है उसके हिसाब से 8 लोगों की डेथ हुई है। ऑन स्पॉट 6 लोगों की डेथ हुई थी, 2 की जो डेथ है शायद हॉस्पिटल के रास्ते में हुई है। तो जो बाकी 3 लोग हैं उनको हॉस्पिटल भेज दिया गया है और रेस्क्यू जो है वो कम्प्लीट हो गया। देखिए, इसमें जो घायल हैं उनसे बातचीत का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जो प्रारंभिक रूप से जो पता लगा है, ये पास के किसी गाँव में किसी पीपल पानी के प्रोग्राम में लोग जा रहे हैं।